दमोह के बांसा तारखेड़ा ट्रिपल मर्डर केस में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कॉलोनाइजर रॉकी सुरेखा के घर दबिश दी। साथ ही पुलिस अधीक्षक ऋतु कीर्ति सोमवंशी ने ट्रिपल हत्याकांड में कॉलोनाइजर और उसके मैनेजर पर हत्या का केस दर्ज किया है। इसके अलावा इस मामले में लापरवाही बरतने पर सागर नाका चौकी प्रभारी और विवेचक को लाइन अटैच कर दिया है। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि चूंकि वो बड़े प्रतिष्ठित यहाँ के बिल्डर हैं और उनका नाम इसमें नहीं शामिल किया जाना चाहिए, इस तरह के कृत्य में वो शामिल नहीं होंगे, पर जो सही बात है और जो इसमें स्पष्ट विवेचना की गई है उसमें आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वो इतनी महंगी पिस्टल्स उनके पास से लेके आए थे और इसलिए हमने उनको उसमें शामिल किया है। इसके साथ साथ जो परिवार के जनों की वो मांग थी कि जिस शिकायत जांच पर ठीक से जांच नहीं की गई और उसके फलस्वरूप ये घटना घटित हुई थी, उस तत्वाधान में भी हमने उस विवेचक को और चौकी प्रभारी को भी वहां से निलंबित करके लाइन अटैच कर दिया।